टाटा सन्स ने एयर इंडिया के बजट वाहक एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ कम किराए वाली एयरलाइंस एयर एशिया इंडिया का विलय करने की योजना बनाई है। एयर इंडिया को सरकार से सफलतापूर्वक खरीदने के बाद टाटा समूह की ये योजना मूर्त रूप लेने जा रही है, यानी अब कोई फेज में आ सकती है। विलय का निर्णय टाटा समूह द्वारा लिया गया है क्योंकि एयर एशिया इंडिया में समूह की 84% हिस्सेदारी है, जिसकी वजह से त्वरित विलय का रास्ता खुला है। हालांकि टाटा सन्स ने सिंगापुर एयरलाइंस यानी SI के साथ विस्तारा और एयर इंडिया के स्केड्यूल को एकत्रित करके बातचीत को अंतिम रूप दे दिया है। जैसा कि ET की रिपोर्ट में यानी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में सूत्रों के अनुसार बताया गया है, तो बता दें टाटा समूह के पास विस्तारा में 51% हिस्सेदारी है और शेष SIA के पास है। ET के स्टोरी के मुताबिक सूत्रों में एक ने विलय को एक तार्किक कदम बताया क्योंकि एयर एशिया इंडिया ने टाटा की ज्यादातर हिस्सेदारी है, जिससे एकीकरण आसान हो जाता है और टाटा समूह का लंबे समय से एकल एयरलाइन इकाई बनाने की योजना थी और ये अब एयर इंडिया का सफलतापूर्वक अधिग्रहण करने के बाद इसके साथ आगे बढ़ सकता है। ET की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि टाटा सन्स ने हाल के हफ्तों में एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ स्टाफ के एकीकरण, विमान की गुणवत्ता और अन्य मामलों में सुरक्षा जांच पर चर्चा करने के लिए कई बैठकें की है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि बाहरी एकीकरण विशेषज्ञ भी बैठकों का हिस्सा थे। टाटा सन्स ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं की है और न ही विलय पर कोई टिप्पणी जाहिर की है। तो ये कहीं ना कहीं 50-50 वाला सौदा होता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन पूरे चांसेस हैं ऐसा होने के। टाटा समूह के स्वामित्व वाली टैलेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने 8 अक्टूबर को एयर इंडिया और उसकी सहायक एयर इंडिया एक्सप्रेस के 100% के लिए बोली हासिल की थी। अधिग्रहण साल के अंत तक पूरा होने की संभावना है। एकल विमान इकाई बनाने की योजना भारतीय विमानन क्षेत्र में समूह को एक बड़ा लाभ दे सकती है। अपने सभी एयरलाइन व्यवसायों के लिए एक छत्र के निर्माण से न केवल होगा बल्कि एक एकीकृत ब्रोडी के तहत सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करने में भी मदद मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा यदि ऐसा होता है। अब आप आगे देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ऐसा होता है या नहीं। ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिएगा वो के न्यूज़ के साथ।